सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। यार डर में रखे बड़े भाई, इतनी देर हो गई चाय बोल के, चाय नहीं आई अभी तक। अब भी आती, खौफ ही उसको बोलते आज के तारीख में, देख लो तुम। ए सुस्ता रे, प्लीज मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती नको करो। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे सो? वो थोड़ा फेंकना पड़ता मोतेबरी दिखाने के वास्ते। ठहरो, पूरी मोतेबरी निकाल दी तुम्हारी। अब नको प्लीज दोस्त आए, जल्दी भिजाओ इनको, मैं ज्यादा देर तक गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा पीछे के घटना बोल के, ये प्यार नहीं पैसा निकालने का तरीका है। बाहर का मौसम कितना रोमांटिक है, नहीं पैसे नहीं है मैं कने घंटा रोमांटिक मौसम। जाने से पहले एक देखे जाओ। क्या? एक देखे जाओ जी, समझो। सोच लिए तुम? सोच लिया। पक्का? पक्का। अच्छा हाथ छोड़ो। अब अपनी शादी तो हो गई, अल्लाह का शुक्र है। आगे क्या करने का सोच रहे? अफसोस। क्या बोले? ऑफ कोर्स हनीमून करने का सोच रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। और पट्टे मुबारक मुबारक, क्या बात है। तू तो नहीं बुलाया वलीमे में, लेकिन अपन घुस गए, वलीमा खाली है। बेहतरीन मनाया था, खाली चिकन को जरा तेज कर दिया था बावर्ची। इसके वास्ते नहीं बुलाते रे तुम लोगों को, खा के नामा रखते बोल के। अरे जान दे रे भाई, तू ये बोल कैसी गुजरी तेरी शादीशुदा जिंदगी। पहले मैं मेरी बीवी को बेपनाह चाहता था। अच्छा, मगर अब सिर्फ पनाह चाह रहा हूँ। मैं सुना कि आपकी मुस्कुराहट पे हर कोई मर जाता। थैंक यू। जरा वक्त निकाल के घर को आना, चूहे मारना है। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी जिंदगी बची हुई है। क्या बोले? कुछ भी नहीं बेगम, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। क्या तू भी गिरा लिए? रुको रुको रुको, छी क्या तू भी कर ले रही? इज्जत की डोर को उलझनों के कशमकश और जकड़ से छुड़ा रहा हूँ। क्या तो मैं बोल ले रही है, क्या है? अरे नाड़ी की घंटी पड़ गई जी, खोल रहा हूँ। अच्छा, हवा में परवाज होते हुए शिकमपुरी व लज्जत खाम लेके आई है। क्या बोले? दही ले लेके आ जाओ। आपकी हालत देख के ना मेरे को एक शेर याद आया। इरशाद। धरती सुनहरी है, अंबर नीला है। वाह 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 वाह। धरती सुनहरी है, अंबर नीला है, मेरे शहर का एक स्क्रू ढीला है। मेरे साथ आपके 10 साल क्या है? 1 सेकंड के बराबर है। और मेरे वास्ते आपकी नजर में 10,000 की क्या अहमियत है? 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, फिर 1 रुपये दो। तो फिर 1 सेकंड रुको। आपको मालूम मैं आज गधों के बारे में पढ़ रही थी। एक गधा अपनी गधी के सिवा कोई दूसरी गधी को नहीं देखता कते। इसके वास्ते गधा बोलते हैं उसको। आपको क्या ज्यादा अच्छा दिखता, मेरी खूबसूरती या फिर मेरी अकलमंदी? मेरे को आपके मजाक करने की आदत अच्छी दिखती है। बहुत ही उर्दू उर्दू कर रहे। चलो ठीक है, मैं इंग्लिश में कुछ पूछती हूँ, उर्दू में उसका मतलब बताओ। अरे पूछो जी, तुम आज पूछो आज। चलो ठीक है, एयर हॉस्टेस को उर्दू में क्या बोलते? हवाई हसीना। नर्स? दवाई हसीना। लेडी टीचर? पढ़ाई हसीना। मेड? सफाई हसीना। वाइफ? लड़ाई हसीना। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा, चिराग लेके पूरी दुनिया में ढूंढे ना, फिर भी मेरे जैसी अच्छी बच्ची नहीं मिलती तुमको? ए पागल बात नको करो तुम। मैं क्या दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढ के लूंगा? हद हो गई। क्या हुआ? अरे हमें तो अपने ने लूटा, घरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तुम तो थे ही बेवकूफ, तुम्हारी अकल में कहां दम था, वहां कश्ती लेके गए कहीं को जहां पानी कम था। दिमाग है तो बोलो, कंप्लीट और फिनिश में क्या फर्क है? सिंपल है। क्या है? देखो जैसा मैं आपको मिला तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई, और आप मेरे को मिले, मेरी लाइफ इज फिनिश हो गई। मम्मी को भी लाना था। तेरे को मालूम ना बेटा, मैं मुसीबत को लेके साथ नहीं घूमता। नाक में दम है भाई आपकी बेटी से। तो फिर मेरा हाल क्या होता होगा सोचो, मेरे पास तो उसकी अम्मा है। तुम बायोडाटा में क्या लिखे थे? हाँ, हाइट क्या है? 5 फीट 10 इंच।
मैं ऋतिक रोशन के जैसा गोरे चिट्टे लंबे पूरे होंगे समझी थी, मगर तुम तो राजपाल यादव के जैसा बटाने निकले। एक जबरदस्त चाय बनाओ। अच्छा सुनो, चाय कैसी रहना है? अच्छा पीते कि इंसान की तबीयत मस्त हो जाना, ऐसा इंसान का जिस्म झूमने लगना और उसका एक नशा चढ़ना, वैसी चाय बनाओ। अजी सुनो, अपने घर में भैंस का दूध आता, नागिन का नहीं। पहले बात तो बोलो क्या है। अब बोलने बताने को कह रहे क्या? जो तुम हरकता कर रहे ना, इज्जत पूरी मिट्टी में मिल गई मेरी। तुम ये कदम उठाने से पहले मेरे बारे में जरा भी सोचे। तुम सोचे अगर मेरे को मालूम होता मेरे दिल पे क्या गुजरती बोल के। आई क्या हुआ जी, और ऐसे पागल बात कहीं को कर रही? अरे तुम पागल हरकत कहीं को कर रहे? मैं क्या करी? ये माँ का लाडला कौन है जो तुम आपको ब्यूटीफुल बोल के मैसेज आप भेज रहा? देखो अनपढ़ गवार जाहिल आदमी, ये ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल का नोटिफिकेशन है। तुम्हें को एक बात बोलो, कभी तुम ये सोचे अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती थी तो? नहीं सोचा, बिकॉज मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। आप नाराज है बोल के मैं जूस बनाया। सो स्वीट ऑफ यू। आपके वास्ते नहीं, मेरे वास्ते। कोई गजल सुना के क्या करना, यूं बात को आगे बढ़ा के क्या करना? वाह 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 वाह। कोई गजल सुना के क्या करना, यूं बात को आगे बढ़ा के क्या करना? तुम पागल थे, तुम पागल हो, ये बात दुनिया को बता के क्या करना? आज तुम मेरा दिल जीत लिए। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। इरशाद इरशाद। हम तुम्हारी मोहब्बत में खोए रहते हैं दीवानों की तरह। वाह 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 वाह। हम तुम्हारी मोहब्बत में खोए रहते हैं दीवानों की तरह, और तुम हो कि पैसों को सीने से लगा के रखते हो भिखारियों की तरह। अजी कैसी दिख रही हूँ मैं? वैसे जैसे हमेशा दिखते। मतलब खूबसूरत? एकदम बेकार। क्या बोले? मैं बोल रहा हूँ क्या है वो ये सब? हाँ कम से कम ये रमजान में तो भी वजन कम करने की कोशिश करो। अर्ज किया है। हाँ इरशाद इरशाद। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वाह वाह वाह। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम डाइट करके भी मोटे रह गए। ज्यादा पोजा नको मारो, वीडियो कट हो गया। मेरे एक सवाल का जवाब दियो, मालूम हो जाता तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं। पूछो जल्दी पूछो, रोजा लगा रहा मैं। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको अपन रोज देखते मगर तोड़ नहीं सकते? तुम्हारा मुंह। यार क्या है चांद ऐसा कैसा निकल गया गली में? बच्ची जिद कर रही थी भाई तो बाहर ले लेके निकला। अरे क्या जिद कर रही थी भाई बच्ची? बच्ची को बोल रहा हूँ मैं, रमजान में शैताना कैद हो जाते बोल के। हाँ। अब जिद कर रही। हाँ। मैं शैतान को देखती हूँ, शैतान को देखती हूँ। हाँ। तो आपको दिखाने के वास्ते लाया। डराओ राजी, बच्ची खुश होती बोल के डराओ, बोल के डराओ। रमजान में लौट मैंने करा बोल के डराओ गए थे शैतान से। मैं डरा का है कौन सी निकली? वो पतली पत्तों के जैसी है जो निकले से। हाँ। कौन तो भी है जी वो कंजूस, कौन तो भी दिया वो है? बहन। एक नंबर की कंजूस है जी तुम्हारी बहन, इससे अच्छा तो नहीं देना था ने। मेरी नहीं तुम्हारी बहन। वही बोल रहा जरा मैं जाके सो तो कहे रोजा लग रहा मेरे को, तुम अच्छा उठ के इफ्तारी में पूरा तो अरे जिंदा नहीं रखती है औरत, पूरा पानी गिरा के पोछना नहीं मालूम। जब देखो जब गिरते पड़ते रहते, आखिर कितना तो भी गिरे हुए इंसान है जी तुम। अरे अच्छा है दिल है तुम्हारे भाई से बोले तो याद आया, उससे पूछना था कि ये जकात और ये फितरे के पैसे किसको देना बोल के। अरे उसको क्या पूछते जी, मैं हूँ ना मैं बोलती हूँ, जकात और फितरा गरीब यतीम माजूर लाचार लोगों को देते। वैसा है तो फिर तुम्हारे भाई को दे देंगे। जरा वक्त निकाल के घर को साफ करो, देखो कितना कचरा जमा हो गया। तुम भी जरा वक्त निकाल के दिमाग साफ करो जी, उसमें भी कितना की कचरा जमा हो गया। वो एक्चुअली आपका खूबसूरत हसीन चेहरा देखे बगैर मेरा दिन की शुरुआत नहीं होती ना, इसके वास्ते उठाया। मतलब मेरे को ऐसा काय को देख रहा आप झूठ बोल रहे बोल के? मैं सच भी कब बोला था बोल के? ज्यादा गर्मी में ज्यादा सर्दी में मेरे से काम नहीं होता। मौसम बराबर रहा तो मेरा दिल काम करना नहीं बोलता। गर्मी तुम्हारे घर में एसी नहीं है क्या? है ना कूलर। वो
तो मेरे को भी दिख रहा, जिस घर में एसी नहीं है मैं उस घर में काम नहीं करती। ओ हेलो, अरे तुम इधर ऐश करने आ रहे, काम करने आ रहे जी? ओ हेलो मिस्टर, मैं काम वाली हूँ, तुम्हारी बीवी नहीं। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करना आपका फर्ज है, मैं भी आपके ऊपर फर्ज हूँ। तुम फर्ज नहीं, तुम खर्ज है। शादी करने के वास्ते 12 लाख का कर्जा लिया था मैं, ना कर्जा कम हो रहा ना तुम।